डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत ही साधारण सिंपल सा डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, सैचुरेशन कितना है। पहले पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ आईसीयूज़ में होता था, हॉस्पिटल्स में होता था, वार्ड्स में होता था, या उन लोगों के घर में होता था जिनको लंबी बीमारियां थी, क्रॉनिक डिजीज़ होती थी, जैसे सीओपीडी, अस्थमा, इंटरस्टीशियल लंग डिजीज़ या हार्ट की प्रॉब्लम्स होती थी। वो लोग पल्स ऑक्सीमीटर को अपने घर पे रखते थे ऑक्सीजन चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। परंतु कोरोना होने के बाद, फरवरी मार्च के बाद, ये देखा जाने लगा कि बहुत सारे हेल्दी लोग जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो भी इसका यूज़ कर रहे हैं, घर पे रखते हैं। सब लोगों ने खरीद लिए हैं, घर पे रखते हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये डिवाइस क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, कैसे इसका यूज़ किया जाए, और इसमें जो रीडिंग्स आती हैं उसको कैसे देखा जाए, इसलिए आज हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बात करेंगे। अब पल्स ऑक्सीमीटर फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा डिवाइस है, बहुत सस्ता है, मार्केट में 500-550 रुपये में आराम से मिल जाता है। इससे हम नॉन इन्वेजिव और पेनलेस तरीके से, बिना दर्द किए हुए, हम हमारे शरीर में ऑक्सीजन का पता लगा सकते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है, इससे हम पता लगा सकते हैं। ये बहुत तरह तरह के डिवाइसेज आते हैं जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, उसमें ऑन एंड ऑफ बटन बना हुआ है। कई डिवाइस ऐसे भी आते हैं जिसमें ऑन एंड ऑफ बटन नहीं होता, सिर्फ आप उंगली इसके अंदर डालते हैं। जैसे ये मैं डिवाइस के अंदर उंगली डाल रहा हूँ, आप जैसे ही उंगली डिवाइस के अंदर डालते हैं ये ऑन हो जाता है और डिस्प्ले बोर्ड पर ऑक्सीजन का लेवल, SpO2 और पल्स रेट आना शुरू हो जाता है। परंतु इस डिवाइस में ऑन एंड ऑफ का बटन बना हुआ है। आप जब ऑन का बटन दबाते हैं, ये मैंने ऑन का बटन दबाया, आप देखिए अब ये शुरू हो जाएगा और इसके मॉनिटर पे, डिस्प्ले बोर्ड पर आप देखेंगे SpO2 लिखा आ रहा है और यहाँ पर पल्स रेट लिखा हुआ आ रहा है। इसके दो हिस्से होते हैं, आप देखिए एक नीचे वाला हिस्सा है जिससे लाइट निकल रही है और ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा लाइट फेंकता है और ऊपर वाला हिस्सा जो है डिटेक्ट करता है, डिटेक्टर है। जब आप इसके अंदर उंगली डालते हैं, कि मैंने ऑन किया, आपने उंगली डाली, नीचे वाले हिस्से से लाइट जाती है, आपकी फिंगर से होती हुई लाइट जाती है, ऊपर वाला हिस्सा उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद ये डिस्प्ले बोर्ड पर आपका ऑक्सीजन का लेवल, इस उंगली में, इस फिंगर में कितना लेवल है SpO2, ये लिखा हुआ आ रहा है। आप देखिए SpO2 सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन जितना इस पे लिखा हुआ आ रहा है, 96 लिखा हुआ आ रहा है ना। और इस साइड आप देखेंगे तो पल्स रेट लिखा आ रहा है, हार्ट रेट, धड़कन कितनी है, पल्स रेट कितनी है, वो भी इस पे लिखा हुआ आ रहा है। आप बीच में छोटा सा देखेंगे तो एक येलो सा आपको निशान दिख रहा है, उससे हमें पता चलता है कि जो बैटरी है कितना चार्ज है, ख़त्म होने वाली है या पूरी फुल बैटरी है, तो आप इससे बैटरी का भी पता चलता है। देख सकते हैं कितना साधारण सा डिवाइस है, इससे हमें ये पता चल जाता है हमारी इस फिंगर में पेरिफेरल, जो हार्ट से दूर वाला हिस्सा है, उंगलियों में, फिंगर्स में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, पल्स रेट कितनी है, बड़े साधारण तरीके से पता चल जाता है। अब पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कैसे करें, यूज़ कैसे करें, किसी भी व्यक्ति को या मरीज को अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल देखना है या सैचुरेशन देखनी है तो इस पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइडियल तरीका, जो सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है, वो सिटिंग पोस्चर में होना चाहिए, बैठे हुए होना चाहिए, चलते हुए या दौड़ते हुए ऑक्सीजन चेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप चल रहे हैं तो आराम से आके बैठिए, 4-5 मिनट रेस्टिंग स्टेज पे होना चाहिए, रेस्ट करिए, सिटिंग पोस्चर में होना चाहिए, बैठे हुए होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर को उठाइए, इस पल्स ऑक्सीमीटर में ऑन एंड ऑफ का बटन है। मैंने पहले बताया कई ऑक्सीमीटर्स में ऑन एंड ऑफ का बटन नहीं होता, इसमें ऑन एंड ऑफ का बटन है। रेस्टिंग स्टेज पे होना चाहिए, 4-5 मिनट के रेस्ट के बाद होना चाहिए, सिटिंग पोस्चर में होना चाहिए। इस ऑक्सीमीटर को जब आप उंगली इसके अंदर डालते हैं, फिंगर अंदर डालते हैं, आप इसको ऑन करेंगे, इसका जो लेवल है ऑक्सीमीटर का शरीर पे, आपका हार्ट का ये लेवल है, अप्रॉक्सीमेटली हार्ट के लेवल पे हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, ये हार्ट है और इस लेवल पे होना चाहिए।
इस ऑक्सीमीटर को कम से कम आप 1 मिनट तक लगा के रखेंगे ताकि उंगली स्टेबल हो जाए, जो इसमें रीडिंग्स आ रही हैं वो भी स्टेबल हो जाए। आप उंगली को ऑक्सीमीटर से दबाएंगे नहीं, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा हाथ की, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए आसपास, वो भी इस पर इफ़ेक्ट करती है। ये सब देखने के बाद एक बार आपने रेस्टिंग स्टेज में है, सिटिंग पोस्चर में है, 1 मिनट आपने इसको लगा के रखा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, उसके बाद आप देखेंगे इसमें सिग्नल कितना आ रहा है। सिग्नल दो तरीके से दिखाई देता है। इस इंस्ट्रूमेंट में आप देख सकते हैं वेव फॉर्म्स दिखाई दे रही है, वेव्स ऐसे ऐसे बन रही हैं, ये सिग्नल होता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में फ्लैश लाइट होती है, वो भी सिग्नल होता है। अगर ये सिग्नल वीक है या फ्लैश लाइट वेव फॉर्म्स नहीं बन रही हैं या फ्लैश लाइट ठीक से नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ी है, जो आपकी जो रीडिंग यहाँ पे आ रही है वो ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है। ये किस वजह से हो सकता है? इसकी बहुत सारी वजह होती हैं, या तो बैटरी ठीक से लगी नहीं हुई, बैटरी चार्ज नहीं है पूरी, अच्छी नहीं काम कर रही, उंगली ठीक से नहीं लगी हुई, या इसमें कोई डिफेक्ट है इंस्ट्रूमेंट में, इसलिए ये वेव फॉर्म्स बनना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी वेव फॉर्म्स बन रही हैं, रेगुलर इंटरवल पे वेव फॉर्म बन रही हैं। फ्लैश लाइट वाला नहीं है पल्स ऑक्सीमीटर, ये वेव फॉर्म वाला है। सिग्नल बहुत अच्छा है, SpO2 इधर दिखाई दे रही है, पल्स रेट इधर दिखाई दे रही है, सिटिंग पोस्चर है, उंगली स्टेबल है, 1 मिनट तक मैंने लगा के रखा है, तो ये आइडियल तरीका है ऑक्सीजन देखने का। इसमें जो रीडिंग आ रही है बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग मानी जाती है। अब पल्स ऑक्सीमीटर में फॉल्स रीडिंग्स किसको कहते हैं? फॉल्स रीडिंग्स का मतलब ये होता है, एक तरफ वो कंडीशंस जिसमें शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल सैचुरेशन नॉर्मल होता है परंतु पल्स ऑक्सीमीटर कम दिखाता है, कम ऑक्सीजन दिखाता है। दूसरी तरफ शरीर में ऑक्सीजन कम होती है परंतु पल्स ऑक्सीमीटर ज़्यादा दिखाता होता है। जो पहली वैरायटी होती है जिसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर ठीक है परंतु पल्स ऑक्सीमीटर कम दिखा रहा है, उसके क्या कारण होते हैं? उसके कारण होते हैं मुख्य रूप से, अगर बैटरी ख़राब है, पल्स ऑक्सीमीटर बहुत पुराना है, आपने उंगली इसके अंदर ठीक से नहीं लगाई है, हाथ को आपने स्टेबल करके नहीं रखा हुआ है। अगर आपने 1 मिनट तक पल्स ऑक्सीमीटर नहीं लगाया, आपसे पहले ही रीडिंग को नोट करना शुरू कर देते हैं जब पहले हाथ स्टेबल भी नहीं है, तो इसमें जो रीडिंग्स होती हैं एक्यूरेट नहीं आती हैं। फिर सिग्नल अगर ठीक से नहीं आ रहा तब भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी, फॉल्स रीडिंग आएगी। इसके अलावा जो कारण होते हैं, नेल पॉलिश अगर आप लगाते हैं, आर्टिफिशियल नेल्स लगा रखे हैं, आसपास लाइट बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत कम है, सर्दियों के दिनों में खास तौर से जब बहुत सर्दी पड़ती है तो जो पेरिफेरल सर्कुलेशन होता है, जो हाथों की जो सर्कुलेशन होता है बहुत कम होता है, ऐसी कंडीशंस में भी शरीर के अंदर ऑक्सीजन ठीक होती है परंतु जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो ऑक्सीजन को कम दिखाता है। ये सारी वजह होती है जब शरीर में ऑक्सीजन ठीक है परंतु पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग को कम दिखाता है। दूसरी तरफ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, उसमें शरीर में ऑक्सीजन बहुत कम होती है परंतु पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन ठीक से दिखा रहा होता है। इसलिए जब भी आप इसमें ऑक्सीजन देखते हैं तो कोशिश करिए कि क्लिनिकली कोरिलेट करिए, आप ये देखिए कि अगर ऑक्सीजन कम आ रही है तो वो वाकई पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन से कोरिलेट करती है नहीं करती है। पल्स ऑक्सीमीटर में नॉर्मल और एबनॉर्मल वैल्यूज़ को कैसे देखें? किसी भी व्यक्ति में अगर कोई पुरानी लंग्स की या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, SpO2 लेवल उसका पल्स ऑक्सीमीटर में 95 से ऊपर होना चाहिए, 96 हो, 97 हो, 98 हो, वो नॉर्मल माना जाएगा। परंतु अगर ये लेवल SpO2 लेवल पल्स ऑक्सीमीटर में 94 से नीचे दिखाता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। परंतु 94 से अगर नीचे दिखाता है तो एकदम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप अगर पल्स ऑक्सीमीटर ठीक से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया फॉल्स रीडिंग्स के बहुत सारे कारण होते हैं। पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन के लेवल ठीक होता है परंतु पल्स ऑक्सीमीटर गलत रीडिंग दिखा रहा होता है, कम रीडिंग दिखा रहा होता है। तो इसलिए ये तय करना, ये देखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल SpO2 लेवल इसमें कम आ रहा है तो आपने अगर ठीक से इसको लगाया है या नहीं लगाया, आप इसका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हाथ को स्टेबल किया हुआ है, पल्स ऑक्सीमीटर 1 मिनट तक लगाया हुआ है, ठीक से पोजीशन है, रेस्टिंग स्टेज पे है, वेव फॉर्म ठीक से आ रही है या फ्लैश लाइट ठीक से आ रही है, सिग्नल ठीक से आ रहा है, अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी
आपका ऑक्सीजन लेवल कम आता है और आपको दिक्कत भी है, सिम्टम्स भी हो रहे हैं, फीवर है या खांसी है या बलगम है या सांस फूल रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। क्योंकि आजकल कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोग पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों में यूज़ कर रहे हैं। पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल का सही तरीका उनको पता होना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं और आपका ऑक्सीजन का लेवल 94 से नीचे जा रहा है और आपने ये सब देख लिया है कि आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। दूसरी तरफ वो पेशेंट हैं जिनको पुरानी लंग्स की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अगर वो स्टेबल हैं तो अगर उनमें ऑक्सीजन का लेवल 88 और 92 आ रहा है तो हमारे लिए ठीक है, उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट स्टेबल स्टेट में है और 88 और 92 तक लेवल हम नॉर्मल मान के चल सकते हैं। अब आप पल्स ऑक्सीमीटर कौन सी फिंगर में यूज़ कर सकते हैं, कौन सी फिंगर आप पल्स ऑक्सीमीटर में यूज़ कर सकते हैं? स्टडीज़ ये बताती हैं कि डोमिनेंट हैंड की जो मिडल फिंगर होती है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देती है। परंतु आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर घर पे आप इस्तेमाल करें और आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका पता है तो आप किसी भी फिंगर में आप इसको लगा सकते हैं। परंतु अगर एक्यूरेट आपने रीडिंग देखनी है तो आप मिडल फिंगर का, डोमिनेंट हैंड की मिडल फिंगर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल चेक करने के और भी मेथड्स होते हैं। एक मेथड मैंने आपको बताया, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, आसान है, सिंपल है, सस्ता है और पेनलेस है। दूसरा मेथड जो होता है आर्टीरियल ब्लड गैसेस होता है, एबीजी होता है। एबीजी बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, इन्वेजिव होता है, उसमें हमें सुई लगाकर सैंपल निकालना होता है और उसकी हम जाँच करते हैं ये चेक करने के लिए कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और एक्सपेंसिव होता है, इसलिए नॉर्मल रूटीन में घरों में हॉस्पिटल्स में पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ किया जाता है। कंटिन्यूस ऑक्सीजन आप मॉनिटर कर सकते हो पल्स ऑक्सीमीटर से। एबीजी में पिछले 5 मिनट का जो ऑक्सीजन लेवल होता है सर्कुलेशन में वो देखा जा सकता है, इसलिए दोनों का अपना अपना यूज़ है। परंतु रेगुलर यूज़ के लिए पल्स ऑक्सीमीटर बहुत यूज़फुल माना जाता है, इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत ही साधारण, सस्ता, पेनलेस इंस्ट्रूमेंट है। ब्लड में ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए आप घर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, वो सारे कारणों का पता होना चाहिए जिससे इसमें फॉल्स रीडिंग आती है। फॉल्स रीडिंग जैसे मैंने आपको बताया, शरीर में ऑक्सीजन ठीक है पर इसमें गलत आ रही है। अगर इसमें गलत आएगी तो आप पैनिक स्टेट में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे। फॉल्स रीडिंग्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ पेशेंट की बीमारी की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। एक्यूट कंडीशंस में पुरानी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे जा रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन करिए। अगर पुरानी कोई बीमारी है और पेशेंट स्टेबल है, COPD का पेशेंट है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का पेशेंट है, उसमें 88, 89, 91, 92 सैचुरेशन रहती है, तो घबराने की बात नहीं है। स्टेबल पेशेंट्स हैं उनमें हम 88 से 92 नॉर्मल मान के चलते हैं। परंतु नॉर्मल पेशेंट में अगर पुरानी कोई बीमारी नहीं है, 94 से सैचुरेशन नीचे जाती है, आपने वो सारी कंडीशंस देख ली हैं फॉल्स रीडिंग्स की, तब भी 94 से नीचे जा रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।